जिले के प्रतिष्ठित एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली की चिकित्सा की व्यवस्था काफी बेहतर व सुदृढ़ है। बीते माह एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए गंभीर स्थिति में एसआर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। अस्पताल प्रबंधन ने इस नाजुक मामले में नवजात बच्चों का सफलतापूर्वक उपचार कर जच्चा बच्चा को नया जीवन दिया। महिला के परिजनों ने इसके लिए अस्पताल प्रबंधन का आभार जताया। वही एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के चेयरमैन व शिशु रोग विशेषज्ञ ने मामले की जानकारी इस प्रकार से दी। गौरतलब है कि बीते मई माह में पाटन के ग्रामीण क्षेत्र फुंडा से एक गर्भवती महिला जो कि काफी नाजुक स्थिति में थी, उसे एसआर हॉस्पिटल में लाया गया। इस क्रिटिकल केस में महिला का सकुशल प्रसव कराया गया। महिला ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। मात्र 940 ग्राम वजनी कमजोर नवजात की देखरेख व उपचार शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केसरवानी व उनकी टीम की निगरानी में एनआईसीयू में की गई। पूरे 32 दिनों के बाद अब बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है व सकुशल है। इस उपलब्धि के लिए शिशु रोग विशेषज्ञ व हॉस्पिटल के चेयरमैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं संजय तिवारी, चेयरमैन एसआर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली। 14 मई 2022 को एसआर हॉस्पिटल में अन्नपूर्णा जो मरीज है, गर्भवती महिला ने दो बच्चों को जन्म दिया, जुड़वा बच्चे हुए। उसमें बच्चों का वजन जो था दोनों का 1000 ग्राम से कम था, 950 ग्राम के आसपास दोनों बच्चों का वजन था और बच्चे बहुत ही गंभीर अवस्था में थे, जिसमें से आज एक बच्चे की हम छुट्टी कर रहे हैं। डॉक्टर एस पी केसरवानी सर, बाल व शिशु रोग विशेषज्ञ, एनआईसीयू की डॉक्टरों की टीम, सबके संयुक्त प्रयास से एक बच्चे को सकुशल ठीक किया गया। अभी बच्चे का वजन 1300 ग्राम से ज़्यादा है, अभी बच्चा कुशल है। यह जो अन्नपूर्णा है, इसका जो निवास है वह पाटन क्षेत्र के आसपास का है, पाटन क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें जो बच्चे के परिजन थे काफ़ी निराश हो चुके थे। लगभग 32-33 दिनों का समय लगा बच्चे को ठीक होने में। इस केस में हमारे डॉक्टरों ने, हमारी टीम ने बहुत ही अथक प्रयास किया इलाज के लिए, किंतु परिवार वालों को मानसिक रूप से जो संबल देने का भी प्रयास हमारी टीम ने किया, उसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ एसआर हॉस्पिटल के डॉक्टरों के, नर्सिंग स्टाफ, एनआईसीयू की टीम को, जिन्होंने माता पिता के ढाढ़स को बांधा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यह क्षेत्र की जनता को बताना चाहूँगा कि एसआर हॉस्पिटल क्षेत्र का एकमात्र ऐसा अस्पताल है जहाँ एनआईसीयू में वेंटिलेटर, बच्चों के वेंटिलेटर, बच्चों के सीपैप की सुविधा उपलब्ध है। इस मरीज का इलाज आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत किया गया है। साथ ही क्षेत्र की जनता से यह भी विनम्र अपील करना चाहूँगा कि कोविड का संक्रमण पूरे देश में, प्रदेश में पुनः बढ़ते जा रहा है, आप अपने बच्चों का ख्याल रखें और साथ ही किसी भी प्रकार के लक्षण पाए जाने पे आसपास के अस्पताल में जाए, डॉक्टर से संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर एस पी केसरवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ, एस आर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में कार्यरत हूँ। मैं विगत दिनों हमारे एनआईसीयू में एक जुड़वा बच्चा, जो बच्चा भर्ती था, उसको हमने 940 ग्राम में भर्ती किया था और 32 दिन सतत उपचार के बाद आयुष्मान योजना से उसका उपचार हुआ है। 32 दिन सतत उपचार के बाद पश्चात आज उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ करके हम उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। बच्चा 1300 ग्राम का है, बच्चा एक्टिव है और माँ का दूध खींच रहा है और बच्चे का वजन बढ़ना प्रारंभ हो गया है। विस्तार से मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि 14 मई को हमने एक लेडी जो फुंडा पाटन से आई थी, नाम अन्नपूर्णा था, वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ लाई गई थी। उसका गर्भावस्था में 28 हफ्ते से कम का गर्भावस्था था और क्रिटिकल कंडीशन ऐसी थी कि उसके जो गर्भ का जो झिल्ली था वो फट गया था, तो उसमें से एमनियोटिक फ्लूइड जो लीक हो रहा था, बच्चे के गर्भाशय से पानी बारा लगातार बहने की वजह से, पानी की कमी होने की वजह से दो जो जुड़वा बच्चे जो उसके घर में पल रहे थे बहुत रिस्क था। तो आनन फानन में हमें सीजर ऑपरेशन का निर्णय लेना पड़ा।
सीजर सफलतापूर्वक सीजन सीजर ऑपरेशन करने के पश्चात जुड़वा बच्चे पैदा हुए, पर दोनों बच्चे जो थे वो 1000 ग्राम से कम थे। मतलब मार करने वाली बात ये थी कि 1000 ग्राम से बच्चे कम थे। एक बच्चे का वजन 940 ग्राम था और एक बच्चे का वजन 960 ग्राम था। 10 दिन के अथक प्रयासों के बाद बच्चे थोड़ा सा सेटल हुए। उसके बाद 10 दिन बाद हमने इनकी आरटी फिटिंग स्टार्ट की और करीब लगभग 20 दिन बाद हमने इनको ओरल फिटिंग स्टार्ट की और 25 दिन बाद बच्चा इतना सक्षम हो गया सतत उपचार से कि वो माँ का दूध खींचना धीरे धीरे प्रारंभ किया। तो कंगारू मदर केयर और माँ के दूध ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे का हमने मतलब फिर वजन बढ़ना चालू हुआ, धीरे धीरे बच्चा एक्टिव हुआ। आज 32 दिनों बाद बच्चों को लगभग हम स्वस्थ करके, पूर्ण रूप से स्वस्थ करके उसको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। यह जो है हमारे जो एसआर हॉस्पिटल का जो NICU है, इसमें हमारे आधुनिक उपकरण हैं, वेंटिलेटर है, CPAP मशीन है और अन्य आधुनिक इक्विपमेंट की सुविधा है। इसकी वजह से और हमारे कुशल स्टाफ एवं कुशल डेडिकेटेड ड्यूटी डॉक्टर्स की सतत प्रयासों से बच्चे को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। बच्चे का संपूर्ण इलाज हमने आयुष्मान योजना के अंतर्गत किया है। यह हम आपको बता दें कि अपनी बेहतर चिकित्सा की व्यवस्था व प्रणाली के लिए जाना पहचाने जाने वाला SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में काफ़ी बेहतर अत्याधुनिक व्यवस्थाएं हैं। बच्चों के लिए वेंटिलेटर प्लस CPAP की सुविधा, NICU की सुविधा, आयुष्मान योजना के तहत इलाज की सुविधा, वहीं NICU में नवजात शिशुओं के लिए ट्रेसरी लेवल का केयर प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ बच्चों की वैक्सीनेशन की भी सुविधा अस्पताल प्रबंधन ने उपलब्ध कराई है। बहरहाल पूरे 32 दिनों के बाद जच्चा बच्चा को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पूरी तरह स्वस्थ जच्चा बच्चा के लिए परिजनों ने SR अस्पताल का आभार दिल से जताया है। सर मैं यार डिलीवरी के लिए आई थी, मेरा अचानक दर्द शुरू हो गया। यहाँ डिलीवरी होने के लिए आई थी, बस जुड़वा बच्चे थे। पहले हम लोग फंडा से पाटन गए थे, पाटन से फिर दुर्ग करके, दुर्ग से फिर मेका एयर कर रहे थे। तो फिर अचानक बीच में दर्द ज़्यादा शुरू हुआ, सह नहीं कर पाए तो यहाँ लाए SR अस्पताल। समय से पहले आए थे, 7 महीने। सर मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुआ, पर बच्चे ठीक है और एक अभी तो नहीं है, स्वस्थ है, ठीक है। आप मिले बच्चे से? रोज मिलती हूँ सर उससे। ठीक, बच्चा ठीक है, नॉर्मल, अच्छा रिस्पॉन्स, फीडिंग करा रही हूँ सर। ठीक रहा सर, डॉक्टरों का सहयोग, मैनेजमेंट सब ठीक रहा सर, अच्छे तरह से संतुष्ट हूँ सर। अच्छा सर, बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब थी इसमें। तो आप मेकाहराना जाके यहाँ आ गए? तो यहाँ पर वो तो मेकाहारा में आपका सरकारी खर्चे में इलाज होता, तो यहाँ आपका कोई पैसा लगा या आयुष्मान के थ्रू आपका आयुष्मान कार्ड के कारण ऐसा बोलिए आप कि आयुष्मान कार्ड के से मेरा इलाज पूरा इलाज उससे हुआ। आप संतुष्ट हैं? हाँ सर, संतुष्ट पूरा इलाज किया है, उसकी कोई नाराज नहीं है, बड़े सर से भी कोई नाराज नहीं मेरे को। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।